हेलो स्टूडेंट्स लेसन नंबर नाइन करेंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के ये पार्ट नंबर टू में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन क्रच लॉज लास्ट लेक्चर में हमने किर्च लॉज देखे थे दो लॉज देखे थे तो यूजिंग दिस टू लॉज वी नाउ सॉल्व द न्यूमरिकल्स यानी मैं बीच में ही न्यूमरिकल्स इसलिए ले ले रही हूँ कि आपके जो दो लॉज है वो उनके जो साइन कन्वेंशन हमने देखे थे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में तो वो आपके पक्के हो जाएंगे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट भी तो इसीलिए मैं दो न्यूमरिकल्स बाहर के और दो न्यूमरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक के ही आज लेने वाली हूँ तो चलो स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं रिवीजन में हम देखते हैं कि क्या हमने साइन कन्वेंशंस देखे थे ठीक है तो थोड़ा से, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं फ़र्स्ट हमने फ़र्स्ट लॉ में क्या देखा था फर्स्ट लॉ इट इज़ नोन एज करंट लॉ क्रिच करंट लॉ इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ के सी में क्या देखा था कि जो करंट एंटरिंग द जंक्शन करंट जो एंटर कर रहा है जंक्शन में इट इज़ टेकन एज यानि करंट आई लिखती हूँ आई इज़ अ करंट एंटरिंग द जंक्शन एंटरिंग जंक्शन इज़ टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द जंक्शन जो करंट लीव कर रहा है जंक्शन को इट इज़ टेकन एज निगेटिव ठीक है ये हमारे साइन कन्वेंशन था और हमारा लॉ क्या था अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो ठीक है समेशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो हमने देखा हुआ है ये दोनों भी लॉज देखे हुए हैं क्या था वो लॉ ये भी हमने देखा हुआ है अल्जेब्रिक अलजेब्रिक सम करंट्स एट अ जंक्शन इज ज़ीरो हमने देखा हुआ है ठीक है और सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं सेकेंड लॉ इज़ नोन एज ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ इज नोन एज किरचॉब्स वोल्टेज लॉ इट इज ऑल्सो नोन एज के वी एल उसको के वी एल भी बोलते हैं और क्या था वो सेकेंड लॉ ये भी हम देख लेते हैं क्या उसका स्टेटमेंट uh, था तो जो अल्जेब्रिक सम ही हमको लेना है अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस पोटेंशियल डिफरेंसेस यानी इट इज़ डिनोटेड बाय आई आर एंड जो ई एम एफ है ई एम एफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ई एम एफ जो है उसके समेशन यानी समेशन ऑफ ई बोलती हूँ मैं यहाँ पे इट इज़ इक्वल टू जीरो ये हमने के वी एल में देखा था और साइन कन्वेंशन कैसा था साइन कन्वेंशन को देखेंगे हम साइन कन्वेंशन कैसे थे उन ये बहुत ज़रूरी है टू सॉल्व द इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क नेटवर्क को सॉल्व करना है तो कैसे कर करना है अगर हम जो रूट से जा रहे हैं तो वो रूट और करंट आय का रूट अगर सेम है ठीक है तो क्या होगा समझ में आया वाइल ट्रेसिंग अ लूप

ट्रेस uh, कर रहे हैं ये डायरेक्शन से और करंट की डायरेक्शन भी सेम है सेम डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज़ टेकन एज निगेटिव ओके ये है हमारा फर्स्ट साइन कन्वेंशन सेकंड साइन कन्वेंशन सेकंड था हमारा कि इफ दिस लूप इज़ ट्रेस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट यानी हम जा रहे हैं ऐसा और करंट की डायरेक्शन उल्टी है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज पॉजिटिव यानी देखो मैं यहाँ पे डायग्राम निकालती हूँ हम ये है रेजिस्टर आर ओके ये भी रेजिस्टर आर था और हम ट्रेस कर रहे हैं ये डायरेक्शन में और करंट की डायरेक्शन है इस प्रकार ठीक है ये है करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ टेकन एज जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैसा लेना है इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव ठीक है ये हमने देखा था और एक इम्पोर्टेंट फॉर uh, uh, जो ईएमएफ के लिए क्या लिया था देखो कि जैसे हम सोर्स ऑफ बैटरी जो है ठीक है तो जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है इट इज़ पॉजिटिव कब रहेगा दैट इज ई एम एफ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सोर्स तो मैं ऐसा लिखती हूँ ई एम एफ कब पॉजिटिव रहता है वेन द लूप जब ट्रेस करते हैं वाइल ट्रेसिंग द लूप विद इन द सोर्स फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जब जाते हैं तो ई एम एफ इज पॉजिटिव ई एम एफ क्या रहता है ई एम एफ पॉजिटिव कब रहता है वेन वी ट्रेस फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ओके और ई एम एफ जो है वो टेकन एज निगेटिव कब रहता है वाइल वी ट्रेसिंग द लूप फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव यानी जिसके तरफ जा रहा जाएंगे उसका ही साइन लेना है ई एम एफ के लिए ठीक है ई का साइन कैसे आएगा जिसके तरफ जा रहे हैं उसके तरफ तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है आज ये हमने लिया हुआ है आज जस्ट हमने ये इसकी रिविजन की है ठीक है तो अब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे यानी आपका ये और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल के तरफ जाते हैं ये एक मैंने एक बुक से लिया हुआ है न्यूमेरिकल है देखो इम्पोर्टेंट है और ये थ्री टू फोर मार्क्स के लिए आ सकता है देखो क्या है तो सेल ऑफ ई एम एफ थ्री वोल्ट सेल का ई एम एफ दिया है थ्री वोल्ट ई इज़ इक्वल टू थ्री वोल्ट लिखती हूँ मैं एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ फोर ओह इज़ कनेक्टेड टू टू रेजिस्टेंसेज इंटरनल रेजिस्टेंस हम आर स्मॉल आर से दिखाएंगे इट इज़ कन फोर ओह इट इज़ कनेक्टेड टू टू रेजिस्टेंसेज टेन ओह एंड ट्वेंटी फोर ओह दो रेजिस्टेंसेज के वैल्यूज भी लिख लेते हैं जैसे आर वन इज इक्वल टू बोलते हैं उनको टेन ओह और आर टू भी दिया है इट इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ओह ज्वाइन इन पैरल दो रेजिस्टेंसेस कैसे ज्वाइन किए हैं तो पैरल में ज्वाइन की है फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस हमको ईच रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है उसको फाइंड आउट करना है यानी सपोज आर वन से आई वन करंट जाता है तो आई वन को uh, हमको कैलकुलेट करना है और R2 में से अगर I2 टू करंट जाता है तो I2 को भी कैलकुलेट करना है ओके okay, और ये जो हो टोटल करंट को भी कैलकुलेट करना है आगे देखो एंड टोटल करंट इन द सर्किट यूजिंग किच लॉ किर्च लॉज को यूज़ करके हमको टोटल करंट सपोज इट इज़ आई उसको भी कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम अब आपको ये सर्किट गिवन नहीं है तो सिर्फ जो जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से हम सर्किट को डिज़ाइन करेंगे देखो मैं फिर से पढ़ती हूँ और सर्किट को ड्रॉ करती हूँ अ सेल ऑफ ई एम वोल्ट ऐसा बोला है तो सेल निकालेंगे हम यहाँ पे कितनी वोल्ट की है सेल देखो E इज़ इक्वल टू थ्री वोल्ट में लिखती हूँ यहाँ पे एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फोर ओहम उसका जो रेजिस्टेंस है तो उसके पास में ही ये रेजिस्टेंस निकालेंगे तो और इसकी वैल्यू है R इज इक्वल टू फोर ओहम ठीक है इट इज कनेक्टेड ये कनेक्ट किया है टू टू रेजिस्टेंसेस टेन ओह एंड ट्वेंटी फोर ओह ज्वाइन इन पैरल ये किसको कनेक्ट किया है तो दो रेजिस्टेंस को और दो रेजिस्टेंसेस कैसे है दे आर इन पैरल तो ये है फर्स्ट रेजिस्टेंस और ये है सेकेंड रेजिस्टेंस दोनों भी कैसे दिख रहे हैं आपको पैरल कॉम्बिनेशन uh, में दिखाई दे रहे हैं ठीक है थीके? तो ऊपर वाला हम आर वन बोलेंगे आर वन इज इक्वल टू टेन ओह और नीचे वाला हम बोलेंगे आर टू इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ओह दोनों भी कैसे कॉम्बिनेशन से कनेक्ट किए हुए हैं पैराल कॉम्बिनेशन ओके ये समझ में आया तो इसको हम मैं कनेक्ट कर देती हूँ ठीक है ये हमारा सर्किट बन गया है अब इसको हम नोटेशंस uh, देंगे ठीक है तो हम इसको बोलेंगे देखो इसको मैं नाम देती हूँ ए बी इसको बोलते हैं सी डी ई e, और एफ अब ई e रिपीट हो रहा है तो आप ध्यान रखिएगा तो ई e, ये ई e डैश बोलेंगे इसको ई एम एफ को ई एफ ठीक है ये है हमारा रेजिस्टेंस और लूप कैसे हम आ, उसको कैसे ट्रैवर्स करेंगे वो भी देख लेते हैं ये जो करंट है करंट की डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल यानी ये ऐसा हम करंट uh, की डायरेक्शन निकालेंगे और करंट ये ब्रांच से बी से कैसे जाएगा ये यहाँ से जाएगा ऐसे जाएगा ठीक है तो ये जो ऊपर जाने वाला है सपोज दिस इज अ करंट ए टू बी जो फ्लो हो रहा है तो इट इज़ आई लिख गए उसकी वैल्यू और ये दो तो बी में से जंक्शन है ये बी उसमें से डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आर वन तरफ जा रहा है वो करंट को हम नाम देंगे आई वन और आर टू के तरफ जो जा रहा है उसको बोलेंगे आई टू ओके ये समझ में आया तो उसके बाद में आगे जाएंगे देखो ये ये हो गया हमारा पूरा सर्किट तैयार हो गया है ठीक है तो अब हम किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करेंगे तो जंक्शन लॉ पहले यूज़ करते हैं जंक्शन लॉ क्या है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ यानी फर्स्ट लॉ करंट लॉ को यूज़ करते हैं तो क्या है पहले तो मैं लॉज लिख लेती हूँ जो करंट लॉ के ऐसा लिखती हूँ के में क्या था के यानी करंट लॉ है इट इज़ समेशन आई इज इक्वल टू जीरो था और के यानी किरचॉब्स वोल्टेज लॉ है इट इज़ इक्वल टू समेशन आई आर प्लस समेशन ई इज इक्वल टू जीरो ये हमने दोनों भी लॉज देखे हैं अब जंक्शन लॉ से हमको क्या पता चलता है कि जो यूज करेंगे हम जंक्शन लॉ को कि फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोल सकते हैं के सी एल ठीक है अब आय आई वन आई टू कैसे रहेगा देखेंगे हम कि आय कैसा है आय सपोज बी इज़ अ जंक्शन बी क्या है जंक्शन है तो आई आई जो करंट uh, है वो रीच हो रहा है बी को ठीक है आई अराइविंग है तो इट इज़ टेकन एज द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट लिविंग द जंक्शन इज टेकन एज निगेटिव ये हमको मालूम है तो आई इज़ अ करंट एंटरिंग द जंक्शन सो इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव एंड आई वन एंड आई टू आर द जंक्शन बी को छोड़ रहे हैं वो इसलिए दे आर टेकन एज निगेटिव दोनों को भी निगेटिव लेंगे और सम इज जीरो ठीक है तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू मिलता है हमको ये यहां तक क्लियर हो गया अब आगे जाएंगे अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे फॉर लूप एक लूप हम कंसिडर करते हैं तो लूप कौन सा लेंगे देखो ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम अब ऊपर से स्टार्ट करेंगे यानी इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइड में यानी आपको डायग्राम भी दिखेंगे दिखेगी तो अप्लाइंग मैं यहाँ पे लिखती हूँ अब हम किरचौक्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे अप्लाइंगचॉक्स वोल्टेज लॉ के वी एल ठीक है अब लूप कहाँ है कौन सा लूप लेंगे फॉर लूप लूप कौन सा कौन सा लेंगे ऊपर से लेंगे एफ़ यानी पहला पहला है एफ़ यानी ऊपर से है देखो डायग्राम की तरफ फिर है एफ A, ए A, फिर आएगा बी बी को भी लेना है ठीक है बी वो रास्ते में बी भी है उसके बाद में देखो बी हो गया एफ ए बी यहाँ तक आ गए हम ओके देन हम ऊपर जाएंगे ठीक है ऊपर जाएंगे, तो फिर से नीचे उतरेंगे ऐसा है ना तो ओ यहाँ पे सी लगता है हमको ठीक है तो सी ठीक है उसके बाद में सी के बाद में क्या मिलता है आपको डी फिर फिर से ऊपर जाएंगे यानी ये आ जाता है ई और फिर से वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स एफ क्लोज लूप है इसलिए पूरा लिखना है एफ़ को छोड़ना नहीं जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ तक वापस आना है ठीक है इसको अप्लाई करना है तो क्या मिलता है देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं देखो अब एफ से स्टार्ट किया हुआ है हमने ठीक है वह यहाँ पे तो करंट को डायरेक्ट ए टू बी के तरफ देखो ए टू बी करंट कैसा है अब ए टू बी के तरफ जाएंगे बी से स्टार्ट करेंगे अब च में तो कुछ है नहीं आय करंट है बट आय का आय को डिवाइड कर दिया है आय कैसा कॉम्बिनेशन है हमने अभी निकाला आई वन प्लस आई टू है तो आई वन देखेंगे आई वन कैसा करंट है अब हम जा रहे हैं ये साइड ऐसे जा रहे हैं करंट भी वही वैसे ही जा रहा है तो सो इट इज़ टेकन एज निगेटिव हमने ये देखा हुआ है जैसे हम जा रहे हैं करंट भी वैसे है तो निगेटिव लेना है पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है आई वन आर वन ठीक है ऊपर चढ़ रहे हैं तो माइनस आई वन आर वन आएगा क्योंकि सेम कन्वेंशनल करंट और ट्रेसिंग द लूप की डायरेक्शन सेम है ठीक है तो फिर से यहाँ से उतरेंगे नीचे और ऊपर जाएंगे देखो पहले ये लूप लिया है हमने ऊपर वाला लिया है अपर साइड वाला लिया है लगे तो हम इसको नाम भी दे सकते हैं अपर साइड का लूप जो है हम उसको एन बोलेंगे तो लगे हम इसको बी एन सी लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे लूप का नाम ऐसा लिख लेते हैं बी एफ ए बी एन सी डी ई F ऐसा e, कर देती हूँ यानी ऊपर वाला ले रहे हैं सिर्फ फिर नीचे वाला लेंगे ये याद रखिएगा ठीक है माइनस आई वन आर वन अब सी के तरफ आ गए हैं हम अब ऊपर ऊपर जा रहे हैं और फिर से यहाँ आर के तरफ आ गए हैं अब हमारा जो डायरेक्शन है हमारी जो डायरेक्शन है वही आई की डायरेक्शन है ठीक है आई ऐसा ही फ्लो हो रहा है यहाँ पे भी ठीक है तो आई जो है और हमारी डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस आय और रेजिस्टेंस है स्मॉल आर माइनस आई आर ठीक है और जो ई एम एफ है ई e डैश है यहाँ पे तो ई e डैश की वैल्यू कैसे रहेगी हम निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो जिसके तरफ जा रहे हैं वही यानी प्लस ई डैश इज इक्वल टू जीरो ये ऐसा आएगा ठीक है ये हो गया हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया है आई की वैल्यू अब सब्सटीट्यूट करते हैं माइनस आई वन आर वन माइनस आई की वैल्यू है आई वन प्लस आई टू इंटू आर प्लस ई डैश इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो उसके बाद में I1 की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं सॉरी आई वन की वैल्यू नहीं R1 की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं R1 वन इज टेन ओ हम गिवन है तो यहाँ पे आएगा माइनस टेन आई वन ओके और फिर R की भी वैल्यू दी है स्मॉल R की वैल्यू है फोर तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई वन प्लस आई टू इन टू फोर प्लस ई डैश की भी वैल्यू दी है कितनी है थ्री है प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ तक आ गए है, है हम अब ये जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे माइनस टेन आई माइनस फोर आई वन माइनस है माइनस फोर आई टू आएगा प्लस थ्री आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है, माइनस टेन माइनस फोर यानी माइनस फोर्टीन हो गया माइनस फोर्टीन आई वन माइनस फोर आई टू प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो ये हो गया अब इसको सॉल्व करेंगे यानी अपने को क्या मिलता है माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करते थे हैं यानी फोर्टीन आई वन प्लस फोर आई टू इज इक्वल टू थ्री कर देते हैं इसको ठीक है दिस इज सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन यहाँ तक आ गए अब हम किच वोल्टेज लॉ लगे लगाएंगे दूसरे लूप के लिए तो किसके लिए लगाएंगे देखो अब सपोज करो ऊपर को हमने एन बोला था अब नीचे को हम एंड डैश बोलेंगे यहाँ पे एंड डैश बोलेंगे ठीक है तो हम अप्लाई करेंगे लूप कौन सा लूप लेंगे देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बी से बी से स्टार्ट करते हैं नीचे वाला बी एन डैश सी ऐसा लेते हैं बी एन डैश लेते हैं सी लेते हैं और फिर से ऊपर जाते हैं ये छोटा वाला लूप लेते हैं एन और फिर से बी की तरफ आते हैं ठीक है यानी कौन सा मैं यहाँ पे लिखती हूँ अप्लाइंग अप्लाइंग देखो हर एक इसको सॉल्व करना है पार्ट्स बनाकर ठीक है अब ये पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ अप्लाइंग के वी एल फॉर लूप कौन सा लूप लेना है जैसे देखो बी एन डैश देन सी देन अगेन एन और अगेन बी इसको ऐसा ले रहे हैं अब हम जाएंगे देखो बी से स्टार्ट करते हैं ये बी से स्टार्ट करते हैं आई टू नीचे से जाना है ना ऊपर तो माइनस आई टू आएगा क्योंकि हम जा रहे हैं ऐसे आई टू की भी डायरेक्शन सेम है आई टू आर टू आएगा यानी माइनस आई टू आर टू आएगा यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो निगेटिव साइन ठीक है फिर से हम ऊपर जा रहे हैं हमारी डायरेक्शन ये ये डायरेक्शन से जा रहा है और करंट कैसा आ रहा है ये डायरेक्शन से आ रहा है करंट और हमारी डायरेक्शन अपोजिट है सो इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव आई वन आर वन आ जाएगा ये इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं आई टू की वैल्यू सॉरी आर टू की वैल्यू है हमारे पास में ट्वेंटी फोर है माइनस ट्वेंटी फोर आई टू प्लस आर वन इज़ टेन आई वन इट इज इक्वल टू ज़ीरो सो वी गेट आई वन इज इक्वल टू क्या आएगा आई वन इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फोर अब मैं क्या करती हूँ डायरेक्टली सॉल्व करती हूँ ये आएगा uh, टेन आई वन सॉरी ऐसा कर देती हूँ आपको डायरेक्ट नहीं करते हैं टेन आई वन इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर आई टू आएगा सो आई वन इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर बाई टेन आई टू यानी वी गेट आई वन इज इक्वल टू टू पॉइंट फोर आई टू आएगा ठीक है आई वन की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ आई टू सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर टू यहाँ तक क्लियर हो गया है अब इक्वेशंस वन एंड टू के तरफ देखो वन में क्या है वन में हम क्या कर सकते हैं आई वन की वैल्यू टू पॉइंट फोर आई टू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ये है हमारा इक्वेशन वन हम क्या करेंगे आई वन की वैल्यू टू पॉइंट फोर आई टू सब्सटिट्यूट करेंगे ठीक है नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशंस वन एंड टू ठीक है इक्वेशन वन क्या था देखो इक्वेशन वन था फोर्टीन आई वन आई वन की जगह हम क्या लिखेंगे टू पॉइंट फोर आई टू ऐसे लिखेंगे मेरे साथ आप भी सॉल्व करो यानी आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा 14 इंटू ब्रैकेट टू पॉइंट फोर आई टू प्लस फोर आई टू ऐसा था इज इक्वल टू थ्री ऐसा है अगर इनको सॉल्व करते हैं 14 फोरजा नाइन्टी सिक्स सिक्स ये फोटीन टू ज ट्वेंटी एट और ये थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स हो गया थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स आई टू बन गया ये प्लस फोर आई टू इज़ इक्वल टू थ्री तो इट बिकम्स थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स आई टू इट इज इक्वल टू थ्री आई टू इज इक्वल टू थ्री अपॉन थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स मेरे सामने कैलकुलेटर में झट से उसको कैलकुलेट कर देती हूँ Uh, आपको टेबल यूज़ करना है कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड ज़ीरो पॉइंट जीरो सेवन नाइन सेवन नाइन अभी मैं आपको सॉल्व करके सिर्फ बता रही हूँ अपना मोटो सिर्फ ये सर्किट uh, को सॉल्व करना है ठीक है ये हो गया दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री हमने आई टू की वैल्यू निकाली है इट इज़ ज़ीरो पॉइंट सेवन नाइन सेवन नाइन ठीक है तो इसको यूज़ करेंगे हम Uh, देखो हमारा फर, हमारे पास वैल्यू थी I1 वन इज इक्वल टू टू पॉइंट फोर आई टू आई टू की वैल्यू हमने निकाली हुई है टू पॉइंट फोर आर आई टू की वैल्यू है ज़ीरो पॉइंट जीरो सेवन नाइन सेवन नाइन ओके तो वी गेट क्या आता है इसका अगर कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट करती हूँ इट इज़ इक्वल टू आई वन इज इक्वल टू आ रहा है ज़ीरो पॉइंट वन नाइन वन फाइव एम ठीक तो है तो आई वन की वैल्यू मिल गई है आई टू की भी वैल्यू मिल गई है दोनों भी वैल्यूज मिल गए हैं है हमको तो अब सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फोर सो आई की वैल्यू हमने पहले निकाली I कैसा था यूजिंग क्रिच करंट लॉ देखो I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू था तो I की वैल्यू टोटल I भी निकालना है I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू सो I की वैल्यू uh, निकालेंगे आई वन इज़ कितनी है आई वन ज़ीरो पॉइंट वन नाइन वन फाइव प्लस आई टू इज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो सेवन नाइन सेवन नाइन तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट ज़ीरो पॉइंट टू सेवन वन टू नाइन एम्पियर ठीक है दिस इज द वैल्यू ऑफ़ आई ये हमको टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मिल रहा है ठीक है तो इस प्रकार से किचॉक्स हमने ये जो आ, ये था अब अब आप बोलेंगे आगे के तो हमने सर्किट लिया ये लूप लिए नहीं तो कुछ आवश्यकता ही नहीं हमको सिर्फ बोला था आई निकालो आई वन आई टू निकाला हमने आई के वो भी निकाला अब कुछ आगे का कुछ करने की आवश्यकता नहीं यहाँ तक हम यही हमारा उद्देश्य था आय को निकालना तो वो कंप्लीट हो गया तो समझ में आया इस प्रकार से के और के को यूज़ करना है अब हम ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल uh, को देख लेते हैं देखो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर जी अब गैल्वानोमीटर का जी जो है ये गैल्वानोमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है ये गैल्वानोमीटर से कितना करंट जा रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है ठीक है करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर एज शोन इन द फिगर ये फिगर आपको दी हुई है और करंट कितना जा रहा है ये गैल्वानोमीटर से हमको कैलकुलेट करना है ठीक है तो अब हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आई वन और आई टू क्या है ए से दो यानी उसको ए इज़ अ जंक्शन और आई वन और आई टू ए जंक्शन से स्प्लिट हो रहा है यानी जो करंट है वो स्प्लिट हो रहा है एंड इट बिकम्स I1 एंड I2 ठीक है तो हम बोल सकते हैं आई वन एंड आई टू आर द करट्स थ्रू ए बी ए टू बी से आई वन और आई टू फ्लो हो रहा है ए सॉरी ए से ए टू बी से आई वन हो रहा है और ए टू डी से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है आई टू फ्लो हो रहा है ठीक है तो हम बोल सकते हैं देखो डायग्राम से फ्रॉम डायग्राम ही मैं लिख रही हूँ ये फ्रॉम फिगर बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर आई वन कैसा करंट है आई वन फ्लोइंग थ्रू फ्लोइंग फ्लोइंग बिटवीन ए टू बी और हम ए बी भी बोल सकते हैं ठीक है और आई टू कैसा है आई टू फ्लोइंग थ्रू मैं ही लिख लेती हूँ ए टू डी दैट इज़ ए डी ओके यहाँ तक हो गया क्लियर अब देखो आगे देखो अब हम क्या करेंगे जो अगर करंट हमको गैल्वानोमीटर से जो फाइंड करना है सपोज दैट करंट इज़ आई जी ये जो करंट हमको फाइंड करना है इसको हम नाम देंगे आई जी जी स्टैंड फॉर गैल्वानोमीटर ठीक है वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई जी ओके तो हम क्या करेंगे क्विचऑक्स का सेकेंड लॉ लगाएंगे यानी के वी एल एक लूप कंसिडर करते हैं पहले ए कौन सा लूप लेंगे देखो पहला लूप ए बी डी और ए बी डी और ए यानी पहला वाला ट्रायंगल लेंगे ठीक है तो मैं लिखती हूँ अप्लाइंग अप्लाइंग के वी एल क्विच वोल्टेज लॉ टू लूप कौन सा लूप लेंगे ए बी डी ए ये वाला लूप ले रहे हैं ठीक है तो अब कैसे जा रहे हैं हम ये डायरेक्शन से जा रहे हैं करंट की करंट आई वन की डायरेक्शन देखो कैसी है वही डायरेक्शन है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ टेकन एज निगेटिव ये हम हमारा हुआ है तो क्या आएगा माइनस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा आई वन R आर आर क्या है फाइव है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस फाइव आई वन ओके आप मेरे साथ सॉल्व करो यानी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद में हम नीचे बी टू डी जाने वाले हैं बी टू डी जाने वाले हैं नीचे आ रहे हैं करंट की डायरेक्शन भी आई जी की सेम ही है ठीक है और वो तब यहाँ पे रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का कितना बताया हुआ है टेन ओह बताया हुआ है ठीक है टेन ओह बताया हुआ है तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है और लूप का ट्रेस भी हम वही डायरेक्शन से कर रहे हैं तो इट इज़ टेकन एज निगेटिव और आ, क्या है टेन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा टेन आई जी ओके यहाँ तक आ गए फिर हम डी टू ए जा रहे हैं डी टू ए यानी ये डायरेक्शन से जा रहे हैं ये करंट आ रहा है ये डायरेक्शन से ठीक है दोनों अपोजिट है हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा फिफ्टीन आई टू यानी पॉजिटिव आएगा दोनों अपोजिट रहेंगे तो डायरेक्शन जो साइन इज़ पॉजिटिव सो फिफ्टीन आई टू आएगा यहाँ पे इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो ठीक है यहाँ तक आ गए हैं हम अब इसको सॉल्व करते हैं अब फाइव से डिवाइड कर देते हैं यानी वी गेट माइनस आई वन माइनस टू आई जी प्लस थ्री आई टू फाइव से डिवाइड किया है जीरो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन ये हमारा वन इक्वेशन हो गया है अब फिर से सेकेंड लूप को किच वोल्टेज लॉ लगाएंगे सेकेंड लूप क्या है हमारा बी सी डी और अगेन बी क्लोज है ना तो फिर से वापस जाना है मैं साइड में लिख रही हूँ देखो अप्लाइंग अप्लाइंग के वी एल टू लूप कौन सा लूप लेंगे बी सी डी बी को लेंगे ठीक है अब हम बी टू सी जा रहे हैं हम ऐसा जा रहे हैं बी टू सी बी सी डी बी है ठीक है बी टू सी जा रहे हैं हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन भी देखो सेम है करंट की डायरेक्शन भी कैसी है सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा इट इज़ टेकन एज कैसे आएगा सेम है तो निगेटिव निगेटिव आएगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस रेजिस्टेंस है टेन अब हाँ अब यहाँ पे क्या आएगा करंट की डायरेक्ट करंट की वैल्यू क्या आएगी देखो आई वन यहाँ से एंटर हो रहा है ये जंक्शन पे स्प्लिटिंग हो रहा है ठीक है आई वन आई वन यहाँ तक आ गया है यहाँ पे आई वन था अब ये कुछ पार्ट उसका आई जी नीचे चला गया है तो हम कैसा लिख सकते हैं आई जी चला गया है यानी नीचे गया हुआ है तो आई जी लिविंग द जंक्शन है और आई वन एंटरिंग द जंक्शन है सो so यहाँ पर के सी एल भी लगता है आई वन एंटरिंग सो आई वन लिखेंगे कुछ पार्ट उसका नीचे चला गया है वो पार्ट को पार्ट की वैल्यू है आई जी तो यहाँ का करंट कैसा है ये साइड का करंट है आई वन माइनस आई जी मैं डायग्राम में लिख रही हूँ आप देखो कौन सा करंट डायग्राम में अब भी मैंने लिखा आई आई वन आई वन बी की तरफ आ रहा है और नीचे जाता है आई जी ठीक है तो बी जंक्शन है आई वन रीच होता है आई वन और जो वैल्यू बी को लीव कर रही है वो है आई जी ठीक है माइनस लिखा है इसलिए ओके ये समझ में आया प्लस अब आगे जाएंगे बी टू सी ये हो गया टेन आई वन माइनस आई जी समझ में आया अब सी के तरफ आ गए हैं हम अब हम जाएंगे सी टू डी अब सी भी अ, फिर से यहाँ पे भी एक जंक्शन है ओके तो यहाँ पे देखो ये जो करंट की वैल्यू है कैसे आएगी ये हम देखेंगे तो I2 A से I2 आ रहा है D को हमको मिल रहा है I2 और ऊपर ये Ig भी मिल रहा है ठीक है क्योंकि ऊपर से D की तरफ कौन आ रहा है Ig आ रहा है तो D की तरफ हमको मिल रहा है I2 टू प्लस आई ओके तो अब हम C2 टू जा रहे हैं हमारी डायरेक्शन ऐसा है और डी की तरफ कौन आ रहे हैं दो करंट्स आ रहे हैं आई टू इसलिए पॉजिटिव आई जी भी आ रहा है तो पॉजिटिव इसलिए हमने लिखा है आई टू प्लस आई जी ये तो समझ में आया आपको तो सी टू डी जा रहे हैं तो सी सी ये रेजिस्टेंस है ट्वेंटी और करंट की वैल्यू है आई टू प्लस आई जी और हम जा रहे हैं नीचे सी टू डी और करंट आ रहा है डी टू सी उसका ये डायरेक्शन है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव लेना है ट्वेंटी क्या है करंट की वैल्यू आई टू प्लस आई जी ओके यहाँ तक आप पहुँच गए हैं हम फिर हम फिर से ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं ऊपर और करंट आ रहा है नीचे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है सो इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव अब फिर से पॉजिटिव आएगा यहाँ पे और रेजिस्टेंस है टेन करंट की वैल्यू है आई जी यानी प्लस टेन आई जी आएगा यहाँ पे प्लस टेन आई जी और इट इज़ इक्वल टू तो ज़ीरो लास्टली ज़ीरो सॉल्व हो गया यहाँ तक पूरा अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट को माइनस टेन आई वन माइनस माइनस प्लस टेन आई जी प्लस ट्वेंटी आई टू प्लस ट्वेंटी आई जी और ये प्लस टेन नीचे लिखती हूँ टेन आई जी इज इक्वल टू तो ज़ीरो ठीक है यहाँ तक आ गए है इसको सोल्व करते हैं माइनस टेन आई वन ये आई वन वाला तो एक ही है माइनस टेन आई वन ऐसे रखते हैं आई जी वाले कितने हैं? देखो आई जी ट्वेंटी आई जी टेन आई जी है यहाँ पे टेन आई जी ट्वेंटी आई जी टेन आई जी कितना हो गया हो जाता है ये फोर्टी आई जी हो जाता है प्लस फोर्टी आई जी प्लस ट्वेंटी आई टू बचा हुआ है इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो यहाँ तक आ गए हैं हम तो अब टेन से भी यहाँ पे डिवाइड कर देंगे यानी वी गेट माइनस आई वन प्लस फोर आई जी प्लस टू आई टू इट इज इक्वल टू ज़ीरो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर टू यहाँ तक पहुँच गए हैं अब हम क्या करते हैं टू की तरफ देखो वन की तरफ देखो वन हमारा इक्वेशन नीचे है आपको दिखाई दे रहा है माइनस आई वन माइनस टू आई जी प्लस थ्री आई टू ऐसा है और ये है माइनस आई वन माइनस आई वन माइनस आई वन है अब माइनस का स, ये हम अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या होगा हमको वैल्यू मिल जाएंगी मिल्टेनिस इक्वेशन है देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि वन माइनस टू करेंगे ठीक है वन माइनस इक्वेशन वन माइनस टू वन है हमारा मैं लिखती हूँ माइनस आई वन माइनस टू आई जी प्लस थ्री आई टू इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो और माइनस टू है तो साइन सब बदल जाएंगे टू की प्लस आई ये हो जाएगा प्लस आई वन ये हो जाएगा माइनस फोर आई जी ये हो जाएगा माइनस टू आई टू इट इज इक्वल टू ज़ीरो सब्ट्रैक्शन कर रहा है तो माइनस साइन बदल जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा वी गेट माइनस सिक्स आई जी ये हो गया यहाँ पे माइनस सॉरी प्लस आई टू इज इक्वल टू ज़ीरो सो वी गेट आई टू इज इक्वल टू सिक्स आई जी ये हमको मिल गया है यहाँ पे सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री आई टू इज इक्वल टू सिक्स आई जी मिला है अब इक्वेशन टू एंड थ्री को भी हम कर सकते हैं टू की तरफ देखो टू में हम आई जी की वैल्यू आई टू की वैल्यू आई जी डाल सकते हैं सो वी गेट आई वन ठीक है आई आई टू की टू का इक्वेशन जो है माइनस आई वन प्लस फोर आई जी की फोर आई जी प्लस ट्वाइस आई टू की जगह हम डाल सकते हैं सिक्स आई जी ठीक है 6, 6 IG, और उसको सॉल्व करेंगे आप आ, बुक में सॉल्व करो फ्रॉम मैं ऐसे लिख लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशंस टू एंड थ्री टू एंड थ्री को करेंगे माइनस आई वन था उसके बाद में प्लस फोर आई जी था और प्लस टू आई टू था आई टू के जगह मैं लिख रही हूँ अभी सिक्स आई जी इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो यहाँ तक आ गए हैं हम माइनस आई वन प्लस फोर आई जी प्लस ट्वेल्व आई जी इज इक्वल टू ज़ीरो तो आई वन की वैल्यू हमको मिलती है अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सिक्सटीन आई जी मिलता है ठीक है तो माइनस आई वन इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन आई जी हो गया और माइनस uh, सेवन चले जाएंगे मैं डायरेक्ट लिख ले लिख रही हूँ तो आई वन की वैल्यू आ गई है सिक्सटीन आई जी सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फोर तो थ्री में हमको आई टू की वैल्यू मिली थी आई टू इज इक्वल टू सिक्स आई जी ठीक है और फोर में हमको मिला है I2 टू आई वन की वैल्यू मिली है सिक्सटीन आई जी तो ऐड करेंगे हम इक्वेशंस थ्री और फोर को एडिंग इक्वेशन्स थ्री एंड फोर दोनों को ऐड करते हैं क्या है इक्वेशंस थ्री इक्वेशन थ्री और फोर को आई वन और आई टू ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड में वहाँ पर था सिक्स आई जी प्लस सिक्सटीन आई जी ओके ये मिल जाता है सो इट इज़ इक्वल टू ट्वेंटी टू आई जी ये मिलता है ओके okay, तो आई वन प्लस आई टू की वैल्यू हमको मिलती है आई वन प्लस आई टू की वैल्यू मिलती है ट्वेंटी टू आई जी ठीक है अब आई वन और आई टू की वैल्यू क्या है आई वन और आई टू की वैल्यू हमने निकाली है कि देखो आई वन प्लस आई टू इट इज़ इक्वल टू ये देखो अब I1 वन प्लस आई अगर हम निक करते हैं तो I1 और I2 की वैल्यू हमको मिलती है इट इज़ इक्वल टू टू ठीक है क्योंकि यहाँ पे देखो टू एम्पियर है आय कैसा है आय स्प्लिट हो गया है सपोज दिस इज़ आय आई स्प्लिटिंग इन टू आई वन और आई टू तो आई की वैल्यू कितनी है आई की वैल्यू है टू एम्पियर ठीक है और आय यानी कैसा है हमारा आई इज़ इक्वल टू आई वन प्लस आई टू है ठीक है यानी टू इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू हो जाता है ये ठीक है तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर आई वन प्लस आई टू जो है वी गेट टू ठीक है तो टू इज इक्वल टू आएगा ट्वेंटी टू आई जी सो आई जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आई जी इज इक्वल टू टू अपॉन ट्वेंटी टू इट इज इक्वल टू वन अपॉन इलेवन ठीक है यहाँ तक हो गया है आई जी की वैल्यू हमारी निकल गई है अब ऐसा भी रख सकते हैं वो आप आई जी इज इक्वल टू वन अपॉन इलेवन एम्पियर दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैलवानोमीटर आप इसको डेसिमल पॉइंट में भी निकाल सकते हो ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा तो हमको पूछ हमको बोला गया था वॉट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर ठीक है तो जीरो पॉइंट से भी आप कर सकते हो आगे जीरो पॉइंट जीरो आएगा तो और आगे आप कर सकते हो जीरो पॉइंट जीरो नाइन वगैरह समथिंग आएगा तो ये यहाँ तक भी आपने सॉल्व किया तो भी चलेगा ठीक है समझ में आया कैसे सॉल्व करना है कैसे यूज़ करना है किचॉप्स वोल्टेज लॉ और किचॉप्स करंट लॉ को तो इस प्रकार से अब आपके बुक में जो सॉल्व न्यूमरिकल्स है उसको हम देखेंगे दिस इज़ न्यूमरिकल नंबर नाइन पॉइंट टू आप कल ये इसके आगे पहले की थेरी हमने ली हुई है आज सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स लेते हैं तो मैं पढ़ती हूँ देखो सर्किट डायग्राम दी नहीं है हमको बनानी हुई बनानी है इसलिए ध्यानपूर्वक आपको ये प्रॉब्लम को पढ़ना है टू बैटरीज ऑफ सेवन वोल्ट एंड थर्टीन वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस वन ओहम एंड टू ओहम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरल कैसे कनेक्ट किया है दो बैटरी को दो बैटरी ली है तो मैं यहाँ पे अब बोलते बोलते डायग्राम भी निकालती हूँ दिस इज़ फर्स्ट बैटरी ठीक है इसका इसकी वैल्यू कितनी है सेवन वोल्ट ओके और सेकेंड वाली को एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है वन ओहम है तो यहाँ पे वन ओहम भी निकाल लेती हूँ और सेकेंड वाली है थर्टीन वोल्ट की बैटरी है और इट इज़ कनेक्टेड इन पैरल बोला ही है पैरल ही निकालते हैं हम पैरल निकालते हैं कॉम्बिनेशन पैरल दिस इज पैरल कॉम्बिनेशन और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है टू ओह ठीक है ये हो गया इसको कनेक्ट कर देते हैं दोनों को आगे देखो क्या बोला है आर कनेक्टेड इन पैरल विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व ओहम ट्वेल्व ओहम के रेजिस्टेंस को पैरलली कनेक्ट करा हुआ है दिस इज द रेजिस्टेंस ट्वेल्व ओहम का रेजिस्टेंस है ये ठीक है ये हो गया अब ये इसकी वैल्यू है थर्टीन वोल्ट ये मैं लिखना भूल गई तो ठीक है यहाँ तक आ गए फाइंड अ करंट थ्रू इच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एकरॉस ट्वेल्व ओहम रेजिस्टेंस यानी हमको करंट निकालना है करंट पासिंग थ्रू इच ब्रांच और पोटेंशियल डिफरेंस की यानी वी की भी वैल्यू निकालनी है ठीक है तो कैसा सॉल्व करते हैं देखते हैं पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं तो सपोज दिस इज ए दिस इज बी और ये सी और डी ये हमारा पहला सर्किट है इसलिए ऐसा बोलते हैं और फिर ये हमारा ई e, और ये है एफ ठीक है ये हो गया अब करंट कैसा फ्लो होगा ये निगेटिव टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल है करंट फर्स्ट फ्लोइंग एस उसकी डायरेक्शन ऐसी रहेंगी निगेटिव टू पॉजिटिव सपोज दिस इज आई वन करंट फ्लोइंग ऐसा आएगा ठीक है ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है और ये बैटरी से करंट आई टू है सपोज़ दिस इज़ आई टू ओके तो ये हो गया अब यहाँ पे सी की तरफ आई वन भी आ रहा है आई टू भी आ रहा है तो नीचे कितना जाएगा नीचे जाएगा I1 वन प्लस आई जाएगा ठीक है नीचे से I1 वन प्लस आई जाएगा ये करंट की डायरेक्शन ऐसी रहेगी ये ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा ये ऊपर चढ़ेगा ऐसा और B के तरफ जाएगा ठीक है ये डायरेक्शन रहेगी अगेन B के पास में जो करंट आएगा ये अगेन यहाँ पे भी I1 ही रहेगा ठीक है क्योंकि ये फिर से I1 वन प्लस आई यहाँ तक आ गया ये रहेगा आई वन प्लस आई और बी डी ब्रांच की तरफ क्या होगा आई टू चला जाएगा यहाँ से और आई वन चला जाएगा ऊपर ठीक है तो ये समझ में आया ये आपके बुक नहीं दिया है फिर हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं तो अब करंट पासिंग थ्रू द टू बैटरीज आई वन और आई टू है हमने मान लिया है ठीक है तो किरचॉफ ऑफ सेकेंड लॉ को यूज़ करेंगे यानी वोल्टेज लॉ तो मैं लिखती हूँ अप्लाइंग अप्लाइंग के वी एल अब लूप कौन सा लेना है सॉरी अप्लाइंग के वी एल को यूज़ करते हैं एक मिनट मैं ये इरेज कर देती हूँ हाँ अप किच्स लॉ को यूज़ करना है देखो अप्लाइंग के वी एल लूप कौन सा लेना है टू एक मिनट हाँ टू एक मिनट पेन नहीं चल रहा है एक मिनट हाँ अप्लाइंग के वी एल टू सॉरी प्लीज़ वेट मेरा पेन चल नहीं रहा है टू hmm. to... थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है एक मिनट प्लीज़ वेट हाँ अप्लाइंग के वी एल अब लूप कौन सा लेंगे टू लूप कौन सा लेंगे लूप देखो अब हम लेंगे लूप ए ई e, एफ बी ए यानी सबसे बड़ा हुआ बड़ा वाला ठीक है बड़ा वाला लेंगे रेक्टैंगल तो पहले बड़े वाले को लगा देंगे ए ई एफ बी ए ये लूप लेंगे ठीक है तो ए टू e जा रहे हैं हम नीचे जा रहे हैं करंट की भी डायरेक्शन वही है तो इट इज़ टेकन एज निगेटिव ठीक है तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस और यहाँ पे ये जो करंट पास हो रहा है आई वन प्लस आई टू ये यहाँ से पास हो रहा है ट्वेल्व ओहम से तो हम भी वैसे ही जा रहे हैं करंट भी सेम है तो इट इज़ टेकन एज निगेटिव तो ये आएगा माइनस ट्वेल्व आई वन प्लस आई टू आएगा यहाँ पे ठीक है अब हम ऊपर जा रहे हैं ठीक है और फिर वन ओह के रेजिस्टेंस से हम ऊपर जाकर कर बीस टू ए जाना है हमको तो हमारी डायरेक्शन ये है करंट की भी डायरेक्शन वही है तो क्या आएगा करंट इज़ आई वन माइनस आई वन है और जो रेजिस्टेंस है वन ओह का है तो वन आई वन आएगा अब निगेटिव टू पॉजिटिव ही हम ऐसे ही जा रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव ई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी सेवन जिसके तरफ जा रहे हैं वो साइन लेना है तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव प्लस सेवन आएगा ठीक है तो ये यहाँ तक हो गया है अगर मैं माइनस से डिवाइड कर देती हूँ तो ट्वेल्व आई वन प्लस आई टू प्लस आई वन इज इक्वल टू सेवन सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन हो गया हमारा अब किर्च ऑफ लॉ लगाएंगे सेकेंड लूप को कंसिडर करेंगे सेकेंड लूप हम नीचे वाला सेकेंड लूप लेंगे देखो सी ई एफ डी सी ये वाला लेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे अप्लाइंग आप ऊपर वाला भी सॉल्व कर सकते हो अप्लाइंग के वी एल इन लूप लूप का नाम है सी ई एफ डी सी ठीक है C टू E जा रहे हैं ओके तो माइनर करंट है I1 वन प्लस आई टू करंट इज आई वन प्लस आई टू और हम जा रहे हैं वैसे ही करंट की डायरेक्शन है ठीक तो है तो ट्वेल्व ओ हम है तो माइनस आएगा यहाँ पे माइनस ट्वेल्व आई वन प्लस आई टू आएगा ठीक है फिर ऊपर जा रहे हैं हम डी के तरफ आ गए हैं डी टू सी अप जाना है हमारी डायरेक्शन ऐसी है I2 की डायरेक्शन सेम है और रेजिस्टेंस है टू रेजि है तो करंट इज़ निगेटिव यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज़ निगेटिव इसलिए माइनस ट्वाइस I2 आएगा और फिर से हम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं करंट सी की तरफ जा रहे हैं तो प्लस आएगा प्लस थर्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो ये हो गया इसको सोल्व करते हैं ट्वेल्व आई वन प्लस आई टू प्लस आई टू माइनस थर्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो या हम थर्टीन को भी ये साइड भेज सकते हैं इज इक्वल टू थर्टीन कर लेती हूँ इज इक्वल टू थर्टीन ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू ठीक है अब इस सॉ इक्वेशन वन एंड टू को सॉल्व करेंगे मैं एक के नीचे एक लिख लेती हूँ ट्वेल्व आई वन प्लस आई टू प्लस आई वन इज इक्वल टू सेवन ये इक्वेशन फर्स्ट था फिर ट्वेल्व आई वन प्लस आई टू प्लस आई टू इज इक्वल टू थर्टीन था ये ठीक है ऐसा मिल गया है हमको दोनों भी मिले हुए हैं ये ऐसे हमको मिला हुआ है तो अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे माइनस 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 क्या आता है ये तो ज़ीरो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे हमको मिलता है आई वन प्लस आई टू ओके यहाँ पे हमको मिलता है आई वन नहीं मेरा कुछ तो भी गलत हो गया आई वन और ट्वाइस आई टू बराबर है सेवन सो वी गेट आई वन इज इक्वल टू ये यहाँ पे हम मुझे मिलता है आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स मिलता है तो आ, क्या मिलता है देखो आई वन की वैल्यू मिलती है मुझे आई वन इज इक्वल टू आई टू माइनस सिक्स मिलती है ठीक है आई टू माइनस सिक्स मिलती है यहाँ पे ट्वाइस आई टू चाहिए था मैं भूल गई हूँ यहाँ पे टू लेना यहाँ पे टू चाहिए था तो यहाँ पे भी टू है यहाँ पे भी टू है और यहाँ पे भी टू है ठीक है ये हो गया आई टू इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू यह सिक्स मिल गया है यहाँ पे हमको तो आई वन की वैल्यू हमको मिली है आई वन इज इक्वल टू ट्वाइस आई टू माइनस सिक्स तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर टू में पुट इन टू टू वाला इक्वेशन को देखो क्या है टू वाला इक्वेशन में लिखती हूँ ट्वेल्व आई वन की जगह लिखेंगे ट्वाइस आई टू माइनस सिक्स प्लस आई टू प्लस ट्वाइस आई टू इज इक्वल टू थर्टीन मिलता है तो आई टू की वैल्यू निकालेंगे इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर इसको सॉल्व करेंगे ट्वेंटी फोर आई टू माइनस सेवेंटी टू प्लस ट्वेल्व आई टू प्लस टू आई टू इज़ इक्वल टू थर्टीन ये मिलता है हमको ट्वेंटी फ़ोर आई टू प्लस ट्वेल्व आई टू यानी ये अगेन फोटीन आई टू हो गया फोटीन और ट्वेंटी फ़ोर ऐसा आ गया है ये यानी थर्टी एट और यहाँ पे मिल जाता है ऐटी फाइव ठीक है ऐटी फाइव हो जाता है ये सेवेंटी टू प्लस हो जाएंगे थर्टीन में जाकर इट इज़ 85 हो जाएंगे और ये ट्वेंटी फ़ोर और फोर्टीन आई ये पूरा फोरटीन आई है इट इज़ थर्टी एट ठीक है मैं डायरेक्ट लिखती हूँ आई टू की वैल्यू हमको मिल जाती है देखो कैसे मिल जाती है वी गेट आई टू थर्टी एट आई टू इज इक्वल टू एटी फाइव मिलता है फिर आई टू की वैल्यू मिलेगी हमको एटी फाइव अपॉन थर्टी एट और उसकी वैल्यू आएगी टू पॉइंट टू थ्री सेवन एमपियर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अब फिर से आई वन की वैल्यू है ट्वाइस आई टू माइनस सिक्स ये वैल्यू है अब हम आई टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे आई वन पे टू इन टू एटी फाइव अपॉन थर्टी एट माइनस सिक्स आ जाएगा ये और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वी गेट ये माइनस साइन मिलता है हमको माइनस वन पॉइंट फाइव टू सिक्स एम पी आर मिलता है तो और आई कैसा था आई इज़ इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ आई वन प्लस आई था अब हमको आई ही निकालना है माइनस वन पॉइंट फाइव टू सिक्स प्लस आई टू की वैल्यू टू पॉइंट टू थ्री सेवन और अगर इसको सॉल्व करते हैं वी गेट जीरो पॉइंट सेवन वन वन एम अब पोटे ये हो गया हमारी करंट की वैल्यू वैसे ही हमको पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय वी इज इक्वल टू आई इन टू आर ठीक है आई आर आर कौन सा लेना है तो जो पैरेलल में लगा हुआ है ना ये ट्वेल्व वाला उसको आर लेना है ठीक है करंट क्योंकि आई वन और आई टू कनेक्टेड की कहाँ से जा रहा है ट्वेल्व ओहम से जा रहा है तो हम लिखेंगे आई की वैल्यू लिखेंगे जीरो पॉइंट सेवन वन वन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वी गेट एट पॉइंट थ्री टू वोल्ट वी की वैल्यू हमको मिली है एट पॉइंट फाइव थ्री टू वोल्ट ठीक है दिस इज आर आंसर ये दोनों ही निकालना है हमको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो ऐसे इस, इस प्रकार से सॉल्व करना है समझ में आया कैलकुलेटिव पार्टी ज़्यादा है एक बार लूप निकल गया तो आगे का आप इजीली कर सकते हो ओके okay? तो लास्ट हमारा न्यूमेरिकल एक सॉल्व करेंगे आपके बुक का ही है फॉर द गिवन नेटवर्क फाइट द करंट थ्रू सॉरी फॉर द गिवन नेटवर्क फाइंड फाइंड द करंट थ्रू फोर ओह एंड थ्री ओह ये नेटवर्क आपको गिवन है और करंट हमको निकालना है फोर ओह यानी ये रजिस्टर्स से करंट निकालना है वैल्यू फोर ओह यानी आई थ्री है उसकी वैल्यू है आई थ्री आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में और थ्री ओहम थ्री ओहम यानी ये है उसकी वैल्यू है आई टू ये भी हमको निकालना है एज्यूम दैट द सेल्स हैव निग्लीजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस सेल्स को इंटरनल रेजिस्टेंस एकदम निग्लिजिबल है नहीं के बराबर ये एज्यूम करना है तो ये सर्किट को हमको सॉल्व करना है तो पहले किच लॉ लगाते हैं तो कौन से इसमें लगाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एफ़ इज़ अ जंक्शन एफ़ आपको कैसा दिखाई दे रहा है जंक्शन है तो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आई थ्री आई थ्री ये बना हुआ है आई वन आ रहा है उसकी तरफ आई वन आ रहा है तो आई वन इज़ टेकन एज पॉजिटिव और आई टू जो है वो देखो आई टू भी उसकी तरफ आ रहा है ये है यहाँ तक आ रहा है आई टू आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में आई टू भी आ रहा है तो हम ये जंक्शन को किर्चऑब्स करंट लॉ यूज़ करेंगे अप्लाइंग के सी एल एट एफ एफ के एफ को लगाएंगे वी गेट आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू और एफ की तरफ से आई वन आई वन भी आ रहा है आई टू आ रहा है और आई थ्री आई थ्री क्या कर रहा है ल्यू कर रहा है ना तो माइनस आई थ्री इट इज़ इक्वल टू जीरो सो वी गेट आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री आ जाएगा यहाँ पे, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन अब से लूप हम कंसिडर करेंगे से यहाँ पे पहला के सी एल के वी एल लगाएंगे अप्लाइंग कौन सा लूप लेंगे देखो अप्लाइंग के वी एल के वी एल टू लूप कौन सा लूप लेने वाले हैं तो ई e, एफ ये ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है ना करंट तो ई एफ सी डी ई आप एफ ई डी सी एफ भी ले सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि वही लेना है बुक में दिया है तो आपको मैं बताती हूँ देखो मैं उल्टा लूप लेती हूँ एफ ई डी सी एफ लेती है ठीक है नीचे वाला सपोज़ आपने ऐसा ले लिया लूप ले लिया है एफ देन ई एफ ई डी सी एफ एफ़ ई डी सी एफ अगर ये लूप लिया आपने तो हम जा रहे हैं एफ़ ई e, नीचे जा रहे हैं करंट ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा यानी वहाँ पे आ जाएगा प्लस और न, यहाँ पे जो है जो डायरेक्शन कैसी आएगी देखो डायरेक्शन थ्री ये ये है थ्री है ना देखो हम कैसे जा रहे हैं ई टू एफ टू ई जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन है आई वन और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पहले ई e को ले लेते हैं ये ये ऐसा जाते हैं यहाँ पे तो रेजिस्टर है ही नहीं तो यहाँ पे टेन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे सो माइनस ई टू आएगा नेगेटिव के तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से ऊपर जा रहे हम जा रहे हैं ऊपर और करंट आ रहा है नीचे आई वन है तो इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव उल्टी डायरेक्शन है करंट की तो पॉजिटिव प्लस आ, प्लस आई वन फोर आई वन आएगा आपके बुक में माइनस दिखा दिख रहा है आपको ठीक है ये हो गया उसके बाद में हम फिर से ये रजिस्टर से जा रहे हैं आई टू जिसमें से फ्लो हो रहा है हम भी वैसे ही जा रहे हैं आई टू के तरफ तो इट इज़ टेकन एज निगेटिव माइनस आई टू और ये थ्री आई टू आएगा ठीक है इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऐसा आ गया आई टू की वैल्यू है टेन माइनस टेन प्लस फोर आई वन माइनस थ्री आई टू इज इक्वल टू ज़ीरो ऐसा मिल जाता है फिर हमको मिलेगा फोर आई वन माइनस थ्री आई टू इज़ इक्वल टू टेन ये मिलता है सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर टू ठीक है आपको उल्टा मिला है साइन उल्टा मिला है उसके बाद में हमने जो लूप लिया है आप अगर मैच करते हो इक्वेशन टू में मैंने दूसरा लूप लिया था ये लूप लिया है उल्टे डायरेक्शन का और बुक में उल्टे डारे, दूसरे डायरेक्शन का लिया है तो हमारा जो आंसर है इक्वेशन नंबर टू दोनों का सेम ही मिला है कुछ यानी आप कैसे भी लूप ले सकते हो आपको समझ में आया होगा उसके बाद में हम फिर से अप्लाई करेंगे क्रिच अप्लाइंग के वी एल टू लूप कौन सा लूप लेंगे देखो अब यहाँ पे हम लेंगे ऊपर वाला ठीक है तो आप ए एफ सी बी ए भी ले सकते हो तो मैं लेती हूँ ए एफ सी बी और वापस है दूसरा लुप लिया है और आपके बुक में एफ ए बी सी एफ लिया है तो मैंने वो लिया है देखो दोनों का भी आंसर सेम ही आता है तो एफ ए बी सी एफ में हम कैसे जाए अब मैंने लिया है ए एफ सी बी ए लिया है तो हम ऐसे नीचे आ रहे हैं ए टू एफ ठीक है ए टू एफ आ रहा है और डायरेक्शन ऑफ करंट आई थ्री ऊपर जा रहा है करंट उल्टा जा रहा है तो यहाँ पर आएगा प्लस पॉजिटिव आएगा यानी फोर आए आएगा ठीक है फोर आई थ्री आ गया उसके बाद में एफ़ टू सी करंट की वैल्यू करंट आ रहा है उल्टा और हम जा रहे हैं ऐसे फिर से हमारी डायरेक्शन अलग अलग है दोनों की तो पॉजिटिव आएगा थ्री आई टू अपोजिट डायरेक्शन है तो और फिर से हम ये डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम जा रहे हैं पॉजिटिव तो नेगेटिव सो माइनस ई वन इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो ई वन की वैल्यू फाइव है फोर आई थ्री प्लस थ्री आई टू इज इक्वल टू ई वन इज़ फाइव आप देखोगे तो आपको दिखेगा आपकी बुक में मेरा आंसर और बुक का आंसर सेम आया है मैंने लूप दूसरा लूप के डायरेक्शन बदल के लिए है फिर भी साइन कन्वेंशन प्रॉपर यूज़ किए तो सेम ही आता है आप कैसा भी लूप ले सकते हो तो वन टू थ्री आया है तो अब फ्रॉम इक्वेशंस अब वन को तरफ देखो वन में आई वन प्लस आई टू की वैल्यू है थ्री और टू में आई थ्री प्लस आई टू की वैल्यू है यानी फोर आई थ्री और थ्री आई टू की वैल्यू है फाइव अब इसको सोल्व करते हैं बस इजी है आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री है तो आई थ्री की जगह हम आई वन प्लस आई टू डाल सकते हैं तो हम कैसे डालेंगे देखो आई थ्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं आई थ्री इज इक्वल टू अब यहाँ पे तो फोर आई थ्री है तो पहले मैं लिख लेती हूँ फ्राम इक्वेश वन एंड टू को सॉल्व करते हैं पहले वन एंड टू को सोल्व करते हैं वन में आई थ्री की वैल्यू है आई वन आई टू है उसके ऊपर से हम आई टू की वैल्यू निकाल सकते हैं या आई वन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं तो उसको यूज़ करेंगे देखो तो मैं इसमें लिखती हूँ इट इज़ इक्वल टू फोर ऐसा लिख सकते हैं फोर आई थ्री माइनस आई टू माइनस थ्री आई टू इज़ इक्वल टू टेन इसको अगर सॉल्व करते हैं माइनस थ्री आई टू प्लस फोर आई थ्री माइनस फोर आई टू इज इक्वल टू टेन आएगा फिर फोर आई थ्री माइनस सेवन आई टू आएगा ये इज इक्वल टू टेन सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फोर अब थ्री को देखो और फोर को देखो थ्री हमारा इक्वेशन क्या था थ्री इक्वेशन था फोर आई थ्री प्लस थ्री आई टू इज इक्वल टू फाइव ठीक है तो हम इक्वेशन नंबर वन एंड थ्री जो है इसको यूज़ करेंगे थ्री एंड फोर को यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्राम क्वेशंस थ्री एंड फोर फोर थ्री एंड फोर के तरफ देखो थ्री क्या है फोर आई थ्री प्लस थ्री आई टू ठीक है दोनों भी सेम आ गए हैं मैं यहाँ पे लिखती हूँ थ्री वाला इक्वेशन लिखती हूँ फोर आई थ्री प्लस थ्री आई टू इज इक्वल टू फाइव और ये है हमारा हमारा फोर आई थ्री माइनस सेवन आई टू इज इक्वल टू टेन इसके ऊपर से हम निकालेंगे सपोज माइनस किया उनको और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा ये आएगा टेन आई टू इज इक्वल टू माइनस फाइव आई टू की वैल्यू आ जाएगी वी गेट आई टू इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव आएगा एम्पियर ठीक है कैसा आएगा देखो आई टू इसके ऊपर से आई टू इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन टेन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ जाएगा ठीक है ये हो गया यानी आई टू की वैल्यू हमको कैसी मिलती है निगेटिव मिलती है तो इट इंडिकेट्स दैट दिस आई टू करंट फ्लोज फ्रॉम एफ़ टू सी एफ़ टू सी फ्लो होगा आई टू करंट फ्लोज फ्रॉम एफ़ टू सी ऐसा फ्लो हो रहा है ठीक है एफ से लीव कर रहा है ओके okay? एफ से लीव कर रहा है ये आई टू और उसकी वैल्यू है माइनस लीव कर रहा है इसलिए निगेटिव आ रहा है ठीक है तो मैं लिख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंडिकेट्स दैट आई टू ल्यूज द जंक्शन एफ़ ठीक है और आई टू ल्यूज एफ और ऐसा भी बोल सकते हैं फ्लोस फ्रॉम एफ़ टू सी ओके ये यहाँ तक समझ में आया अब इक्वेशन टू टू जो था इक्वेशन टू में हम आई टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं पुट इन इक्वेशन टू ठीक है इक्वेशन टू देखो क्या है सॉरी इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन टू था हमारा फोर फोर आई वन माइनस थ्री I2 की जगह हम अभी लिख सकते हैं माइनस जीरो पॉइंट फाइव इट इज़ इक्वल टू टेन ठीक है 10, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो I1 की वैल्यू निकालेंगे फोर आई वन फोर आई वन और ये आ, आ गया प्लस वन पॉइंट फाइव इट इज इक्वल टू टेन फिर फोर आई वन की अगर वैल्यू निकालते हैं तो अब मैं ये डायरेक्ट कर देती हूँ इट इज़ टू पॉइंट वन टू फाइव एमपियर ठीक है पॉजिटिव आ गया है तो करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम एफ़ टू ए फोर फोर ओ हम से ये पास हो रहा है ना तो आई वन कहाँ से पास हो रहा है फोर ओ हम से पास हो रहा है तो डैट इज़ से दैट करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम एफ टू ए और आई थ्री की वैल्यू हमको निकालनी है तो आई थ्री इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आई थ्री कैसा है जैसे पीछे ही हमने निकाला है आई सॉरी आई थ्री इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ देखो I3 थ्री इक्वेशन नंबर वन था हमारा I1 वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री है ठीक है तो I3 थ्री इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू है आई वन कितना है हमारा आई वन इज टू पॉइंट वन टू माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव इट इज़ इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स टू फाइव यह है आई थ्री की वैल्यू इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है ठीक है समझ में आया तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है इजीली uh, सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने दिखाया आपको अलग अलग लूप लेकर भी आप लूप uh, की कैसी भी वैल्यू लेकर सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो आज ये फोर न्यूमेरिकल्स यूजिंग किच करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ हमने सॉल्व किया है आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करिए ओके देन आज के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं ओके देन बाय बाय है गुड डे थैंक यू